लाजम नहीं जेआईटी फाइंडिंग्स को तस्लीम करें। जेआईटी को 13 सवाल की तहकीकात सौंपी गई। जस्टिस एजाज उल एहसन के रिमार्क्स, हम अपने इख्तियारात को किस हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं बताया जाए। जस्टिस अजमत अशईद के रिमार्क्स, जेआईटी की रिपोर्ट किसी शवाहिद पर मबनी नहीं, रिपोर्ट की कोई अहमियत नहीं, रिपोर्ट पर रेफरेंस नहीं हो सकता। वजीर आजम के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल सुप्रीम कोर्ट में, जेआईटी रिपोर्ट पर समाप्त कल तक मुलतवी। वजीर आजम के वकील कल भी दलाइल जारी रखेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है, हर आने वाला लम्हा हुकूमत के लिए खतरा है, हुकूमत अब अंजाम को जा रही है, हुक्मरान खानदान नाहिल हो चुका है, अदालत और असेंबली के फ्लोर पर भी झूठ बोला गया। मरियम औरंगजेब का कहना है कि जेआईटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं, शरीफ फैमिली की जानिब से पेश करदा तमाम दस्तावेजात तस्दीक शुदा है। दानियाल अजीज कहते हैं, मुखालिफीन तमाम हथकंडे इस्तेमाल करके भी वजीर आजम के खिलाफ कुछ साबित नहीं कर सके। शहबाज शरीफ का बयान सिर्फ तजाद की निशानदेही के लिए इस्तेमाल हो सकता है, दस्तावेजात पर अभी बात होना बाकी है कि ये काबिले कबूल हैं या नहीं, जरूरत पड़ने पर वॉल्यूम 10 को भी खोल कर देखेंगे, चाहते हैं कि अदालत और आवाम का वक्त जाया न हो। जस्टिस एजाज अफजल के रिमार्क्स, अदालत वजीर आजम को गैर सादिक और गैर अमीन करार दे सकती है, अदालत से वजीर आजम की नाहली मांगी है नईम बुखारी के दलाइल, क्या अदालत जीआईटी के दस्तावेजात पर फैसला कर सकती है। जस्टिस एजाज अफजल का इस्तफसार, जाली दस्तावेजात पर फौजदारी कार्रवाई बनती है, नईम बुखारी का जवाब। नईम बुखारी की अदालत से 3 इस्तदाएं, पहली इस्तदा नवाज शरीफ को तलब किया जाए, दूसरी इस्तदा नवाज शरीफ को नाअहिल करार दिया जाए, तीसरी इस्तदा शरीफ फैमिली के खिलाफ केसेस नैब भिजवाए जाएं। जमात इस्लामी ने जेआईटी रिपोर्ट की मुकम्मल हिमायत कर दी, नवाज शरीफ ने कौमी असेंबली की तकरीर में सच नहीं बोला, जेआईटी के सामने कतरी खतूत को दुरुस्त कहा, नवाज शरीफ के आसासों और आमदन में मुताबिकत नहीं, जमात इस्लामी के वकील तौफीक आसिफ के दलाइल। गल्फ स्ट्रीट मिल्स का जेआईटी ने हश्र नश्र कर दिया, शेख सईद नवाज शरीफ का फ्रंटमैन था, HME को बेनामी बनाया गया, हसन और मरियम नवाज वालिद के बेनामीदार थे, किसी मुल्क का वजीर आजम कोई दूसरा मुनाफे बख्श ओहदा नहीं रख सकता, सुप्रीम कोर्ट ने शेख रशीद के दलाइल। शरीफ फैमिली ने जेआईटी रिपोर्ट पर एतराजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिए, रिपोर्ट जानिबदार नामुकम्मल और मफरूजों पर मबनी है, दरख्वास्त का मतन रिपोर्ट का वॉल्यूम 10 देने की इस्तदा, वजीर खजाना इसहाक डार ने भी जेआईटी पर एतराजात पर मबनी जवाब जमा करा दिया। हुदैबिया पेपर मिल्स की रिकॉर्ड टेम्परिंग का मामला, चेयरमैन SECP जफर हिजाजी की दरख्वास्त, जमानत 5 रोज के लिए मंजूर, जमानत 5 लाख रुपए के मुचलकों के एवज 21 जुलाई तक मंजूर की गई। और पेशावर के इलाके हयातबाद में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब धमाका, ISPR के मुताबिक फ्रंटियर कोर के मेजर जमाल शहीद, 4 अहलकार जख्मी, साबिक सदर आसिफ जरदारी और चेयरमैन पीपुल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की शदीद मुजम्मत।